हम एक दिन क्रिकेट खेलने जा रहे थे तो वो किराए पर रहते थे पलंग। मनी सचिन यहाँ कैसे भाई, क्या घर के अंदर ऐसी होगी नोक झोंक, इसलिए यहाँ रहे हैं किराए पर। हमें ये नहीं पता ही कि पाकिस्तानी लड़की लेके। ये चीज ठीक है, मतलब हमें सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजना चाहिए। हाँ, ना भेजना चाहिए। यहाँ पर आप उसको अपनी बहू बना करके रखो। हाँ। सीमा और सचिन से लगातार यूपी एटीज जो है वो अभी भी सवाल जवाब कर रही है। शुरुआत में हमारे जो सूत्र हैं वो ये बात बता रहे थे कि सीमा ने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत सहजता के साथ यूपी एटीज के सारे सवालों के जवाब देना शुरू किया था, लेकिन अब सवाल जैसे जैसे बढ़ते चले गए यूपी एटीज की तरफ से, सीमा इरिटेट होना शुरू हो चुकी है। वो अब सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है। वो कह रही है कि मुझे घर वापस जाना है, मैं एक ही बात को बार बार नहीं दोहरा सकती। वहीं इसी बीच अनकट आ पहुंचा है उस जगह पर जहां पर सचिन का घर हुआ करता है, जहां पर सीमा सचिन के साथ रहने के लिए आ गई थी। ग्रेटर नोएडा का ये गांव है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी एक कॉलोनी है जहां पर लोगों ने अपना जो मकान है वो बना करके रहना शुरू कर दिया था। और मेरे राइट हैंड साइड पर एक घर है, ये है सचिन का घर, ये है सचिन का घर जहां पर सीमा और सचिन साथ में, सचिन के परिवार के साथ रह रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी लोगों से बात करने की कोशिश की, कोई कैमरे पे वैसे तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन जितना भी इनपुट हमें उनसे मिल पाया है वो ये है कि ये इकलौता वो घर नहीं है जहाँ पर सीमा रह रही थी। सीमा कुछ देर के लिए इसके बगल वाले घर में भी रुकी थी जहाँ पर उसको यूपी एटीएस ने ठहराया था। उससे पहले यूपी एटीएस के छापा मारने के पहले सीमा यहाँ से कुछ दूरी पर एक और जगह है जहाँ पर वो रेंट पर रह रही थी अकेले, सचिन के घर से, घर पे रहने के पहले। उससे बाद, उसके बाद एक और बात हमें पता चली है, वो ये है कि ये जो घर है सचिन का, उसको सीमा ने छुड़वाया था। एक्चुअली सचिन का जो परिवार है उसने इस घर को गिरवी रखवाया था और कुल 6 लाख रुपए में सीमा ने इस घर को छुड़वाया था। और इसी एवज में सचिन का जो परिवार है उसने सीमा को एक्सेप्ट किया था। सचिन पबजी वबजी खेल कर कभी बताता था क्या सीमा के बारे में? हाँ, ऐसे ही कुछ सुना है। क्या सुना? पबजी वगैरह पे ये कांटेक्ट हुए थे इनके। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये मामला आपको, जो यूपी एटीएस कह रही है, जो सरकार मतलब की तरफ से मीडिया में चल रही है बात, और फिर यहाँ पे आपकी भी तो गले मोहल्ले में बहुत सारी बातें। इस मामले में जांच चल रही है, जो होगा वो सच या झूठ वो सामने आ जाएगा सबके। अच्छा, अब क्योंकि ये बात जो है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उतर गई है तो लोग जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की अपनी बातें हैं, अपनी राय रख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सीमा को इस परिस्थिति में वापस भेजना चाहिए वापस पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है लगातार सीमा की मांग कर रहा है? हाँ, वो ठीक है, उनका काम है, और बाकी यहाँ जांच चल रही है, अगर ठीक होगी तो रखी जाएगी, अगर गलत होगी तो हमारी गवर्नमेंट जैसा फैसला लेगी वैसा सब मंजूर है। किसी को ऐसा लगता है कि सीमा को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए? नहीं, मतलब मोहल्ले के लोगों ने काफी ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है सीमा को बहू के रूप में। हाँ जी, कर लिया है। हाँ, पबजी खेलते हो तुम? हाँ। तुमने भी कोई लड़की से बात बात शुरू करी? ना, लड़की से तो बात ना करी अभी तो। हम एक दिन क्रिकेट खेलने जा रहे थे तो वो किराए पर रहते थे पलंग। मनी सचिन यहाँ कैसे भाई, क्या घर के अंदर ऐसी होगी नोक झोंक, इसलिए यहाँ रहे हैं किराए पर। हमें ये नहीं पता ही कि पाकिस्तानी लड़की लेके। अच्छा, मतलब कि सचिन कहीं और रह रहा था, आपने पूछा कि क्या हो गया तो उसने बोला कि घर पे नोकझोंक हो गई, लेकिन वो रह रहा था सीमा के। हाँ हाँ हाँ, यही पलंग मोहल्ले में 1.5 महीना से। हाँ, गांव में पल्ली तलब, पल्ली की तरफ। और कितने समय से रह रहा था? 1.5 महीना लगभग। और सीमा के जो बच्चे हैं वो भी वहीं रह रहे थे? सब साथ में थे? सब साथ में थे, पर पता ही नहीं था किसी का। ये कोर्ट मैरिज करवाने गए थे, वहाँ के इनका आधार कार्ड देखा और जब पुलिस ने ये अपनी अंडर में ली। अच्छा, तो एक बात बताओ कि सीमा यहाँ पर रह रही थी तो कभी किसी को शक नहीं हुआ उस पे कि सचिन किसी लड़की के साथ घूम रहा है? नहीं, नहीं। दोस्त होंगे ना आप लोग, तो बातें जानते होंगे। हाँ। तो कभी नहीं लगा? नहीं। मैं सुन रही हूँ कि सचिन हमेशा अपने दोस्तों से ये कहा करता था कि जो उसकी दुल्हन होगी वो सरहद पार की होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत है। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि मोहल्ले वालों ने काफी हद तक सीमा को जो है वो एज अ बहू एक्सेप्ट कर लिया है, और अब वो बस इतना कह रही है कि यूपी एटीएस की जो जांच है वो जायज है, उनको अपनी जांच करनी चाहिए। लेकिन सीमा या फिर सचिन या फिर सचिन का परिवार को हमें देख करके कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ दिक्कत है या फिर वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। बहुत सारी अंदर की बातें भी थी जो कि यहाँ पर जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने बताया सीमा के बारे में, सचिन के बारे में, सचिन के परिवार के बारे में।
फिलहाल इस वक्त इस बारे में कोई भी टिप्पणी करना कि सीमा कौन है, क्या है, उसकी क्या मंशा है, आखिर प्यार बहाना है या फिर प्यार ही मेजर जो रीज़न है पाकिस्तान से इंडिया तक सीमा के आने का, ये असली वजह है, ये सब अभी कहना थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल होगा क्योंकि अभी जो मामला है वो जांच के अंदर है और जैसे UPATS एक कंक्लूजन पर पहुंचेगी हमें कोई भी चीज़ को देखने में, एनालाइज करने में थोड़ा स्पष्ट एक स्थिति हमें समझ में आएगी। फिलहाल इस मामले से हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।